नमस्कार, मैं ऋषभ द्विवेदी आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम संवाद में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि विकास पुरुष एवं रीवा विधायक श्री राजन शुक्ला मौजूद हैं। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। सर, रीवा को लेके बहुत सारी उत्सुकताएं हैं, रीवा का डेवलपमेंट को लेके, और बहुत सारी अभी नए नए सेवाएं दी गई हैं रीवा को। माखनलाल चतुर्वेदी एक राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय है और रीवा को अभी एयरपोर्ट की सौगात मिली है, फिर आप कैसे देखते हैं डेवलपमेंट के बारे में? रीवा में एक बहुत ही मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की लंबे समय से ज़रूरत महसूस हो रही थी, और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर न होने से रीवा विकास की दिशा में उस तेज़ी के साथ दौड़ नहीं पा रहा था जिस प्रकार दौड़ने की रीवा को ज़रूरत थी। और इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले 15 वर्षों में फोर लेन की सड़कें बनाई गई, बाईपासेस बनाए गए, रिंग रोड बनाई गई, रीवा ज़िले के हर कोने तक फोर लेन की अच्छी सड़कें बनाई गई। ललितपुर से सिंगरौली रेल लाइन जो रीवा होके जाती है, जो वेस्ट बंगाल को, कलकत्ता को, नॉर्थ ईस्ट को रीवा से जोड़ने का काम कर सकता है, उस पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। और रीवा में हवाई सेवा के लिए हवाई अड्डे की ज़रूरत थी, वो हवाई अड्डे के लिए 50 करोड़ रुपए जो सैंक्शन हुए हैं उसका काम बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। तो ये जो सारे काम तेज़ी के साथ हुए हैं पिछले 15 वर्षों में, उससे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि रीवा बदल रहा है, रीवा विकसित हो रहा है। सर, एक बहुत विख्यात नारा हुआ, मेरा रीवा बदल रहा है, उससे डेवलपमेंट की जो सोच दिखती है रीवा में, जो 15 साल पहले की रीवा था वो जो आज का रीवा है, वो रेल मार्ग से, वो हवाई यात्रा से सुगंधित होने वाला है। तो मतलब एक रीवा की जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही उच्च स्तरीय हुई है। तो सर, हम बढ़ते हैं आगे के, जो अभी निकाय और चुनाव आ रहे हैं, निकाय चुनाव आ रहे हैं, उस पर सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो उम्मीदवार निकाय चुनाव तो बहुत आवश्यक थे, काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, बीच में सर आरक्षण का थोड़ा सा मुद्दा जो है वो थोड़ा सा गंभीर हुआ। हाँ, लेकिन वो सारी चीज़ें बहुत कुशलता के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको सुलझाया और अब चुनाव हो रहे हैं। और जब भी रीवा में चुनाव होता है, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, और चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो, पिछले 15 वर्षों के जो विकास हुए हैं उसको लेकर जनता में एक अलग उत्साह रहता है चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का उत्साह, क्योंकि लोगों को भरोसा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो विकास की गति और तेज़ होगी, और यदि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी तो विकास के मार्ग में रोड़े अटकाने का खतरा हो सकता है। इसलिए जनता बहुत उत्साहित है और हम लोग एक बार फिर से रिकॉर्ड वोटों से नगर निगम के चुनाव जीतने जा रहे हैं। सर, अब तक का आपका जो राजनीतिक सफर था वो किस प्रकार का था, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं? नहीं, मैं तो छात्र जीवन से ही राजनीति में रहा और उसके बाद विधानसभा के चुनावों में पहली बार मुझे जब 98 में टिकट मिला और 1300-1400 वोटों से मैं पीछे रह गया था, उसके बाद से लगातार लोगों के बीच में संपर्क कायम रखना, लोगों से मिलना, लोगों की समस्याओं को जानना, पार्टी के संगठन के कामों को आगे बढ़ाना, तो उसके बाद 2003 से लगातार रीवा की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और इतना ज़बरदस्त आशीर्वाद। पहली बार तो मैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वोटों से जीता था, जब 56,000 वोटों से जीता, तो मुझे हमेशा इस बात का एहसास रहता है कि जनता ने बड़ी आशा और अपेक्षा के साथ विधानसभा में मुझे भेजा है, इसलिए एक दिन भी ख़राब नहीं करना है। रीवा के विकास के लिए सिंचाई के नहरों का जाल बिछाने से लेके और चिकित्सा के क्षेत्र में और एजुकेशन के क्षेत्र में जो कुछ भी किया जा सकता है वो करने का प्रयास हुआ है। टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए भी वाइट टाइगर सफारी से लेके और तमाम जो हमारी योजनाएं हैं, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जब हवाई सेवा शुरू हो जाएगी तो टूरिज़्म भी बढ़ेगा, और हम सब जानते हैं कि टूरिज़्म जब बढ़ता है तो रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं, बेरोज़गारी दूर होती है। तो एक और व्यापार का बढ़ना और दूसरी ओर टूरिज़्म का बढ़ना, ये हमारे क्षेत्र को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिसेंटली अग्निपथ स्कीम आई है, उस पर युवाओं का आक्रोश देखने को मिल रहा है, और रीवा के युवाओं का आपका क्या संदेश है? नहीं, मेरा युवाओं से यही कहना है कि
मोदी जी की सरकार जो भी स्कीम लाती है जी, वो देश हित में, युवाओं के हित में, उसमें किसी भी प्रकार से किसी को भ्रम में आने की ज़रूरत नहीं है जी। यदि हम आंदोलित हैं तो कहीं ना कहीं हम विषय को ठीक से समझने में हमें कहीं कमी है, क्योंकि मंशा सरकार की और मोदी जी की इस देश को आगे बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं है। उनका एक मात्र एजेंडा है देश विश्व गुरु के स्थान पर पहुँचे, और जब तक हर व्यक्ति को काम नहीं मिल जाता जी, तब तक उसकी ट्रेनिंग हो। अब यह अग्निपथ में 17.5 वर्ष से लेके बच्चों को इधर उधर वो घूमे, बेरोजगार रहें, इससे अच्छा कि उनकी इस प्रकार की ट्रेनिंग हो जाए कि वो 23 साल तक एक मतलब स्किल्ड मैन पावर की श्रेणी में आ जाएं, देश की रक्षा के में उनका योगदान रहे, और बाद में फिर उनको किस तरह से रेगुलराइज किया जा सकता है, वो सारी स्कीमें हैं। लेकिन जिस तरीके से भ्रम और दुष्प्रचार हुआ है उसका असर हम लोगों ने देखा है, लेकिन भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा तो युवाओं से ही। सेकंड सर, इसके बाद जो रीवा में आप लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपको रीवा की क्या समस्या है अभी, उसको सुधारने की अवसर मिलना चाहिए? जैसे रीवा के लोगों को मिलते हैं तो वो कुछ समस्याएं लेके आते हैं, तो जनरली बड़ी समस्याएं क्या है रीवा की? नहीं देखिए, बड़ी समस्या तो ये है कि रीवा में अब जिस वजह से रीवा में हम लोगों ने सड़कें, हवाई सेवा, रेल सेवा लाने का प्रयास कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर औद्योगिक निवेश आए, यहाँ पर इंडस्ट्रीज आएँ, यहाँ पर वो सारे लोग आएँ हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन के क्षेत्र में, जो दिल्ली, बॉम्बे और बड़े बड़े महानगरों में जाते हैं, और जब वो चीज़ें बड़े महानगरों में जाती हैं तो हमारे यहाँ के नौजवान भी उन बड़े महानगरों में जाते हैं अपने रोज़गार की तलाश के लिए। तो यदि यहाँ पर औद्योगिक क्रांति और पर्यटन की क्रांति, हरित क्रांति लाई रहे हैं बाण सागर की सिंचाई की नहरों के माध्यम से, तो मेरा ये मानना है कि 3 क्रांतियाँ जहाँ पर आ जाती हैं, औद्योगिक क्रांति, पर्यटन की क्रांति और हरित क्रांति, वहाँ पर फिर उस क्षेत्र का नक्शा बदल जाता है और रोज़गार, बेरोज़गार नौजवानों को पर्याप्त रोज़गार का अवसर पैदा हो जाता है, और आम जनता को बड़ी राहत होती है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो उनको फिर आसानी से मिल जाती हैं। तो इसलिए रीवा उस दिशा में तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, और आप देखिएगा कि आने वाले 5-7 सालों में रीवा, इंदौर, भोपाल और जो महानगर कहलाते हैं उनकी बराबरी करेगा। बिल्कुल, तो धन्यवाद। आज हमारे साथ उपस्थित श्री राजेंद्र शुक्ला जी, आज हमारा स्पेशल प्रोग्राम आप देखते रहिए संवाद।